नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सेलेंस क्लासेज। मैं आपका साथी, आपका गाइड करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज की करंट अफेयर्स की क्लास का मेरा पहला टॉपिक है साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इस बार का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है एक बुक है जिस बुक का नाम है मानसून। इस बुक का नाम मानसून और इसके राइटर जो है राइटर हैं अभय। बुक को किसने लिखा है? अभय जी ने लिखा है। मानसून नामक बुक है। इस बुक में क्या है? पोइम। इस बुक में क्या है? पोइम है। इस बुक में पोइम दी गई है और ये पोइम, इन पोइम में वर्णन जो हुआ है वो हुआ है मेडागास्कर से हिमालय तक के मानसून का, यानी कि इसमें फॉलो किया मेडागास्कर से हिमालय तक के मानसून को। ये बुक है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बुक के लिए मिला किसको? अभय जी को। युवा साहित्य अकादमी, वो सॉरी साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड कब से आरंभ हुआ, क्या है, तो इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो साहित्य अकादमी अवार्ड प्रारंभ हुआ 1954। कब से स्टार्ट हुआ? 1954। यह अवार्ड दिया जाता है कितनी भाषाओं में? अगर इस अवार्ड की भाषा जानूँ तो, लैंग्वेजेज जाने तो, यह अवार्ड दिया जाता है आपका 24 भाषाओं में। 24 भाषाओं में 22 भाषा वो है जो संवैधानिक है, संविधान में दी गई है, और दो भाषाओं में आती है आपकी इंग्लिश और दूसरी भाषा है आपकी राजस्थानी। इंग्लिश और राजस्थानी वर्तमान में यह अवार्ड दिया गया है 20 भाषाओं में, 20 लैंग्वेजेस 20 भाषाओं में दिया गया है इस बार। इसको केवल कितनी भाषाओं में दिया गया है? 20 भाषाओं में। एक और चीज जानते हैं इसके बारे में, इस अवार्ड यानी कि साहित्य अकादमी अवार्ड का एक सिंबल है, उस सिंबल को डिजाइन किसने किया है? सिंबल को डिजाइन दिया, सिंबल को दिया सत्यजीत रे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस अवार्ड की जो पुरस्कार राशि है, प्राइज मनी है 1 लाख रुपया। कितनी? 1 लाख। तो साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है? अभय जी को। किसके लिए? मानसून नामक बुक के लिए। बुक में क्या दिया गया है? मेडागास्कर से हिमालय तक के मानसून के बारे में दिया गया है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ करता है मानसून? जब आता है तो चेरापूंजी और मौरी क्या मौसीग्राम, ठीक है। तो कब से आरंभ हुआ? 1954। कितनी भाषाओं में दिया था? 24, 22 संविधान की, 2 इंग्लिश और राजस्थानी। वर्तमान में 20 भाषाओं को दिया गया है। सिंबल किसने डिजाइन किया? सत्यजीत रे, पंडित नेहरू। पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख रुपया। बात समझ में आई? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली बात करेंगे लवेश्ना की, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की। किसकी बात करेंगे? लवेश्ना। चेहरे खिल गए होंगे आपके। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, लाल बहादुर नेशनल एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ पर है भाई? ये एकेडमी है आपके मसूरी, उत्तराखंड,
मशहूरी उत्तराखंड में है। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, 96 एनिवर्सरी है इसकी, 96वीं सालगिरह है इसकी। इस 96 एनिवर्सरी को क्या होगा, पीएमजी, माननीय पीएम ऑफिसर्स को संबोधित करेंगे, क्या देंगे, स्पीच देंगे। और इस स्पीच में वो 488 ऑफिसर्स को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। 488 ऑफिसर्स को संबोधित करेंगे। नया क्या हो रहा है यहाँ पर, नया ये हो रहा है कि पहली बार यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। पहली बार क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रारंभ किया जा रहा है। यानी कि अब जो ऑफिसर्स हैं वो स्पोर्ट्स में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, ये तो बात है नई। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रारंभ हो रहा है, माननीय पीएम इसका स्पीच देंगे। लवचना जान लेते हैं कि ये सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ पॉइंट है, तो सिविल सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं। सिविल, एक और चीज, इस लवचना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये जो संबोधन वगैरह है वो किस मिशन के तहत हो रहा है, उस मिशन का नाम है मिशन कर्मयोगी। ठीक है, मिशन कर्मयोगी के तहत पीएम स्पीच देंगे ऑफिसर्स को, कर्म के बारे में, काम के प्रधानता के बारे में बताएंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जानते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में। तो सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज डे बनाया जाता है 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को बनाया जाता है। सबसे पहले ऑफिसर्स को संबोधन दिया था सरदार पटेल जी ने, सबसे पहले संबोधन किसके द्वारा किया गया, सरदार पटेल जी द्वारा। ठीक है, ऑल इंडिया सिविल सर्विस एक्ट आया 1951, कब आया, ऑल इंडिया सिविल सर्विस एक्ट कब आया, 1951। संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूं, संविधान में आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं के लिए दिया गया है, तो वहीं आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग के लिए। संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां लिख लेते हैं, आर्टिकल 312 क्या कहता है, 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी संबंधित आर्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, 315 आर्टिकल आपसे कहता है यूपीएससी के बारे में बात करता है। ठीक है भाई, आर्टिकल 315 किसकी बात करता है, यूपीएससी सबसे पहले कहां से आरंभ हुआ, चाइना से सबसे पहले यूपीएससी का आरंभ, यानी कि ये संघ लोक सेवा जैसी आयोग की इससे सेवाएं है वो सबसे पहले कहां आरंभ हुई, चाइना में, सबसे पहले कहां, चाइना में। इंडिया में सिविल सर्विसेज के फादर माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, फादर ऑफ सिविल सर्विस, या लिख लेते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या नाम है उनका, लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस माना जाता है इंडिया में। तो ये बात है लवचना क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रारंभ किया जा रहा है, पीएम स्पीच देंगे 488 ऑफिसर्स को, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दे दिया जाता है, बनाया जाता है।
सबसे पहले संबोधन किया पटेल साहब ने। सिविल सर्विस एक्ट क्या है, कब आया, 1951, आर्टिकल 12, 312 और 315 में यूपीएससी के बारे में बात की गई है। किस मिशन के तहत ये काम हो रहा है, वो मिशन का नाम है मिशन कर्म योगी। किसके तहत? मिशन कर्म योगी के तहत। बात समझ में आई। अगले करंट के टॉपिक की बात करते हैं और अगला करंट का टॉपिक है रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर से। रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर बहुत अच्छी तरह से पता है कि नाटो का मेंबर बनने के चक्कर में यूक्रेन पर रशिया का अटैक हो रहा है। तो कामिकाजे ड्रोन, कौन सा ड्रोन भाई? कामिकाजे, राइट से लिखते, राइट से। कामिकाजे ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन सीधा चला आ रहा है रशिया और यूक्रेन वॉर से। कामिकाजे ड्रोन से पहले एक बात बताता हूं, यूएस ने क्या किया है, यूएस ने 800 मिलियन डॉलर, कितना, 800 मिलियन डॉलर, 800 मिलियन की मदद की सहायता देने की बात कही है। किसको सहायता, किसको? यूक्रेन को, ठीक है भाई। इसी सहायता के तहत कामिकाजे ड्रोन दिया है यूएस ने किसको, यूक्रेन को। और कामिकाजे ड्रोन की खासियत क्या है? कामिकाजे ड्रोन को हम स्विच ब्लेड ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम बता देता हूं, लिख देता हूं, किन नामों से जानते हैं हम इसको? एक नाम मैंने भी बताया, क्या नाम बताया? स्विच ब्लेड ड्रोन। एक नाम है इसका डेस्ट्रॉयर, ठीक है भाई। ये जो ड्रोन है वो 7 माइल्स तक, कितना दूरी, कितनी दूरी तक घातक है? 7 माइल्स, 7 माइल्स तक ये अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को नेस्तनाबूत करने की क्षमता रखता है। इस ड्रोन की खासियत क्या है? इस ड्रोन की खासियत एक ये है, स्विच ब्लेड ड्रोन, यानी कि इसके पंख होते हैं ना ड्रोन के, उन पंखों पर ब्लेड है, एक तरीके से पंख फोल्ड हो जाते हैं, स्विच हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, उनमें कैमरा भी लगा हुआ है, वो कैमरा यानी कि ये साथ की साथ पिक्चर यानी कि वीडियो भी बनाता चलता है, ठीक है। ये ड्रोन दिया है कामकाजी ड्रोन, किसको दिया गया है? यूक्रेन को। किसके द्वारा दिया गया? यूएस के द्वारा दिया गया, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। ड्रोन के बारे में जान लेते हैं, ड्रोन इन इंडिया, ड्रोन इन इंडिया, बात ड्रोन की हो रही है तो इंडियन एस्पेक्ट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक ड्रोन है हेरन ड्रोन, क्या नाम है? हेरन, हेरन ड्रोन, हेरन ड्रोन, ये भारत को मिला किससे? इजराइल से। किससे मिला? इसराइल से ड्रोन मिला। और इस वक्त इस ड्रोन की तैनाती हमने क्या कहाँ पे कर रखी है? इस ड्रोन की तैनाती हमने कर रखी है लद्दाख और चाइना वाले साइड पर। कहाँ पर तैनात है? लद्दाख, चाइना, यानी कि लद्दाख और चाइना वाली साइड पर ये हमने इस ड्रोन को तैनात कर रखा है। कहाँ से मिला था? इसराइल से मिला था। एक ड्रोन और है हमारे पास, घातक, सनी देओल वाली घातक नहीं है, घातक है। इस ड्रोन को तैयार किया है खुद इंडिया के डीआरडीओ ने, डीआरडीओ इंडिया, ठीक है। काम क्या है? अटैक करना। इस ड्रोन का भी काम क्या है? अटैक करना। एक ड्रोन और है रुस्तम, अच्छा कुमार वाली रुस्तम नहीं है, रुस्तम। इस रुस्तम, रुस्तम को भी किसने डिजाइन किया है भाई? डीआरडीओ ने डिजाइन किया है, लेकिन ये अटैक वाला नहीं है, ये सिर्फ सर्विलांस वाला है। ये सिर्फ अटैक नहीं करेगा, सर्विलांस करेगा, देख कर आएगा चीजों का, ब्यौरा लेकर आएगा। तो इसका काम कितना है? इसका काम सिर्फ सर्विलांस का है। किस क्या काम है इसका? सर्विलांस का है,
सिर्फ किसका काम है, क्या काम करेगा भाई, सर्विलांस करेगा, ठीक है, बात सही भाई। तो कामिकाजे ड्रोन क्यों जरूरी पढ़ना था, क्योंकि यूक्रेन वॉर में यूएस की मदद से इसको मिला है, स्विच ब्लेड ड्रोन है, वो ड्रोन है, अपने ब्लेड से स्विच कर लेता है, 7 माइल्स की इसकी दूरी है, मारक क्षमता है और जिन्हें नेस्तनाबूत कर सकता है अपने दुश्मन को। तो कामिकाजे ड्रोन, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, आगे की बात करते हैं। अगली बात है आजादी का अमृत महोत्सव। एक मिनट रुकिएगा, चलने दो चलने। आज़ादी के अमृत महोत्सव, 75वीं आज़ादी हम बना रहे हैं उसके तहत अमृत महोत्सव चल रहे हैं, और उस अमृत महोत्सव के तहत हमने क्या किया है, तो आज़ादी, अगला पॉइंट मेरा क्या है, आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के, आज़ादी का कौन सा महोत्सव, अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमने क्या किया 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 है, हमने किया है मेडागास्कर, यानी कि ग्रीन मेडागास्कर अफ्रीका, मेडागास्कर अफ्रीका, एक मिनट रुकिएगा पानी, मेडागास्कर अफ्रीका में हमने एक पार्क, या यूं कहूं कि एक ग्रीन पार्क, यहां पर हमने क्या, एक ग्रीन पार्क बनाने की घोषणा की है, कि यहां पर हम एक ग्रीन पार्क बनाएंगे, ठीक है, एक कैसा पार्क, ग्रीन पार्क, और इसको नाम दिया हमने महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, इसको क्या नाम दिया है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, ठीक है भाई, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल के तहत मेडागास्कर को जान लेते हैं, मेडागास्कर क्या है, मेडागास्कर को जानते हैं तो रेड मार्कर भी ले लेते हैं, मेडागास्कर इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा आइलैंड, ठीक है भाई, हिंद मेडागास्कर की जो कंडीशन है, मेडागास्कर की कंडीशन है अफ्रीका के ईस्ट में, मेडागास्कर कहाँ है, अफ्रीका के ईस्ट में, अभी रुकिए, मेडागास्कर कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका के ईस्ट साइड, अफ्रीका के कहाँ पर है, ईस्ट में है, यानी कि पूर्व में है, ठीक है भाई, अफ्रीका के पूर्व में मेडागास्कर पड़ता है, मेडागास्कर की जो कैपिटल है, मेडागास्कर की कैपिटल का नाम है एंटानानरिवा, इसकी कैपिटल का नाम है, यहां की करेंसी मुद्रा क्या है, यहां की मुद्रा है माला गासी एरियरी, कई सारी जगह एरियरी आपको लिखा मिल जाएगा, तो वो भी पूरी तरह से सही है, सही पूरा नाम क्या है, मालागासी एरियरी, ठीक है भाई। तो आज़ादी हमारी 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ चल रही है और इस महोत्सव को बना रहे हैं, तो
मेडागास्कर में ग्रीन पार्क, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल इसका नाम दिया है हमने। हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर है। ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम एलडीसीज का विकास डेवलप कर रहे हैं, तो विश्व को हम भी बता सके कि हमारी भी विश्व में कोई स्थिति मौजूद है। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर हमने एक काम और किया है, वो बड़ी छोटी सी बात है, उसको यही बता देता हूँ। जेंडर समवाद, यानी कि इससे अलग है, मेडागास्कर से अलग है, इंडियन आस्पेक्ट में है, इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत है। इसी अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्या है? जेंडर संवाद। क्या है भाई? जेंडर संवाद। और इस जेंडर संवाद को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जारी किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ठीक है, इसका थीम जरूरी क्या है हमें इसका जानना? इसका जरूरी जानना है थीम। इसका थीम है नए भारत की नारी। नए भारत की नारी, इसका थीम क्या है भाई? नए भारत की नारी। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको जारी किया है। जेंडर संवाद है, आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75वां अमृत महोत्सव हमारा चल रहा है, उसके तहत हम इस काम को कर रहे हैं। मेडागास्कर अफ्रीका हम ग्रीन पार्क यानी कि महात्मा गांधी ट्रायंगल की स्थापना कर रहे हैं, बना रहे हैं। जो मेडागास्कर का हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है, अफ्रीका के इस साइड में पड़ता है, कैपिटल एंटानानारिवो है, करेंसी इसकी मालागासी एरियरी है। और इसी अमृत महोत्सव के तहत एक और करंट का टॉपिक आया, जेंडर संवाद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। थीम क्या है? इसकी थीम को याद रखिएगा, नए भारत की नारी। किस मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया चलाया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। नोट डाउन कर लें, पेन कॉपी नोट्स जो भी संसाधन आप लेके बैठे उनको लेकर बैठे, साथ के साथ नोट्स बनाते चलें। अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाओगे तो ही आपको इसके लाभ होंगे, अन्यथा में इसके लाभ होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। मैं महात्मा गांधी को और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि महात्मा गांधी को लेकर वर्तमान में क्या क्या काम हुए हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को हम पूरी कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा या लिख लिया होगा। स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़े, प्रॉपर नोट्स बने। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी इनके नाम पर एक सिक्का जारी किया है, वो जारी किया है यूके ने। इनके नाम पर क्या जारी किया भाई? इनके नाम पर जारी किया है सिक्का, एक कॉइन जारी किया है, एक कॉइन जारी किया है इनके नाम पर, सिक्का जारी किया है, और सिक्का जारी किया गया है यूके में। करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी, महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी बनाई जाती है 30 जून 1948, यानी कि डेथ हुई थी इनकी, डेथ की तारीख क्या है? 30 जनवरी। ठीक है, और तब से 30 जनवरी को उनकी एनिवर्सरी बनाई जाती है। तो डेथ तीस जैन और डेथ की तारीख लिख दूं तो 1948 को ये इनकी डेथ हुई थी बिरला हाउस। कहां पर डेथ हुई थी इनकी? इनकी डेथ हुई थी बिरला हाउस दिल्ली। दिल्ली के बिरला हाउस में नाथुराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन चालू किया गया है जो मॉरिशस में चालू किया गया। इनके नाम पर क्या? महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन। क्या मेट्रो स्टेशन कहाँ चालू किया गया है? मॉरिशस में। महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन चालू किया गया, वो कहाँ चालू किया गया? मॉरिशस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1924 बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता
की अध्यक्षता इन्होंने की 1924 बेलगांव में, कब की थी 1924 बेलगांव, ठीक है। इनके राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। एक घटना आपको याद आ रही होगी, आपने सुनी होगी कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक रेलवे स्टेशन से, एक रेलवे स्टेशन पर, एक प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन से बाहर निकाल दिया, धक्का देकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसमें गोरे जा सकते थे और महात्मा गांधी गोरे नहीं थे। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? उस रेलवे स्टेशन का नाम था पीटर मैरिट्जबर्ग, पीटर मैरिट्जबर्ग। रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? यहाँ से यानी कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से निकाल दिया गया था, ट्रेन के डिब्बे से। उसका नाम था पीटर मैरिट्जबर्ग। क्या नाम था उस स्टेशन का? पीटर मैरिट्जबर्ग। तो ये गांधी जी से जुड़ी कुछ बातें थी। गांधी जी के नाम पर एक वहाँ पे मेडागास्कर में क्या बना रहे हैं हम? ग्रीन पार्क बना रहे हैं। मेडागास्कर की कंडीशन मैंने बता दी आपको, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल के ईस्ट में है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा क्या है? आइलैंड है, ठीक है। उसकी राजधानी मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ की मुद्रा करेंसी क्या है वो बता चुका हूँ। गांधी जी को लेकर करंट में क्या हुआ है, कॉइन इनके नाम से जारी किया गया, वो यूके में, डेथ एनिवर्सरी 30 जनवरी, ठीक है। 1948 को इनकी डेथ हुई थी बिरला हाउस दिल्ली में। इनके नाम पर एक मेट्रो स्टेशन जो मॉरिशस में चालू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वो अध्यक्षता इन्होंने 1924 बेलगांव से की थी। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले साहब हैं, और साउथ अफ्रीका के स्टेशन जहाँ से इनको बाहर निकाला गया था उसका नाम क्या था? पीटर्स मैरिट्जबर्ग, यहाँ से इनको बाहर निकाल दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपकी समझ में आई होंगी। अगली क्लास में फिर से हम करंट के कुछ टॉपिकों की बात करेंगे, या J&K हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बजट हमारा टॉपिक रहेगा। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।